लकी चंदन सेवा समिति के द्वारा महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 50 लोगों के द्वारा रक्तदान किया गया, जिससे जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। जिसकी तरफ से समिति के द्वारा उनको हेलमेट व ब्लूटूथ उपहार भेज किया गया। इसके बाद भव्य भंडारे का समिति के द्वारा उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें जो कोई भी व्यक्ति उपवास थे उनके लिए फलाहार का बंदोबस्त किया गया और भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए भव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया। समिति ने बताया कि विगत 4 वर्षों से हमारे द्वारा महाशिवरात्रि के अवसर पर भंडारे एवं जागराता का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें बिलासपुर के तिलकनगर क्षेत्र के लोगों का भरपूर सहयोग मिला है और रात्रि में जगराता का आनंद लेने के लिए महिलाओं एवं पुरुषों ने अपनी उपस्थिति देकर कार्यक्रम को सफल बनाने में समिति का सहयोग प्रदान किया। रात्रि के उपलक्ष्य में ये पुराना प्रतापता की चौक कहलाता है, इसमें लकी चंदन सेवा समिति की तरफ से हम युवाओं की जो एक टोली है, करीबन हमारे युवाओं की जो टोली है 100 से अधिक लड़के हैं, इन्होंने सब आपस में एक कॉन्सेप्ट बनाया कि सनातन को देखते हुए और जय श्री राम, जैसे अभी अयोध्या में मंदिर निर्माण हुआ, सब चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि अब सनातन की ओर आगे बढ़ना चाहिए, इसको देखिए कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए, आर्केस्ट्रा करना चाहिए, भंडारा का आयोजन करना चाहिए, इसको देखते हुए हम लोगों ने शुरू कराया और ये पहला वर्ष है कि इतना बड़ा आर्केस्ट्रा का आयोजन हम लोगों ने किया है। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि ऐसे उत्सवों में किस तरह लोगों को रुचि देना चाहिए और क्या कुछ आगे? युवाओं को आगे आना चाहिए, सनातन की ओर ध्यान देना चाहिए और हमारी तो टीम पूरी युवा वर्ग की है, तो इससे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम युवा वर्ग जैसे पश्चिम सभ्यता को देख के लोग पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन हमारी जो टीम है वो पूरा सनातन को देखते हुए सनातन की ओर ध्यान कर रही है, आकर्षित कर रही है। JP अग्रवाल, आज हमारे यहाँ सुबह से ही भव्य कार्यक्रम था। सुबह हमने भंडारा करवाया था, उसके पश्चात रक्तदान का शिविर किया गया था, जिसमें 50 से अधिक लोगों ने रक्तदान का शिविर का आयोजन का लाभ उठाया है। साथ में हम लोगों ने हेलमेट और ब्लूटूथ हेडफोन की व्यवस्था की थी कि जो उपहार स्वरूप दिया गया है कि ब्लड डोनेट जो व्यक्ति करता है उसको हमने हेलमेट दिया है उपहार स्वरूप और ब्लूटूथ दिया गया है। तत्पश्चात हम लोग ने ये भंडारा का कार्यक्रम रखा है, ठंडे युक्त भांग का भी व्यवस्था की गई थी जो, और उपवास महिलाएं हैं उनको लिए स्पेशल व्यवस्था थी, जैसे कि साबूदाना और फलाहार की व्यवस्था की गई थी। विकास के सरवानी, लक्की चंदन। यहाँ लक्की चंदन सेवा समिति के द्वारा भंडारा का आयोजन किया गया था सुबह में और अभी ये जगराता का आयोजन किया गया है। ये विगत 4 सालों से हमारा कार्यक्रम चल रहा है। भविष्य में और सेवा के कार्य करते रहेंगे तो निरंतर सेवा जारी रहेगी। बिलासपुर से मैं पाटले की रिपोर्ट।